नकली के आरोपी आरपीएससी मुख्यालय लाए गए हैं। रामू राम राय का, उसके बेटे दवेश और साथ ही बेटी शोभा को आरपीएससी लाया गया है। एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ करेंगे। आरपीएससी मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इस मामले में पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि कई और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है, क्योंकि पूछताछ में कई बड़े राज उगलने के लिए यहां पर तमाम तैयारी की गई है और उसी के बाद संभवतः और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो। तो लगातार बड़ी गिरफ्तारियां हुई है पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी मुख्यालय लाए गए। बड़ी बात यह है कि रामू राम रायका का बेटा देवेश और बेटी शोभा कौर भी आरपीएससी लाया गया है। एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि रामू राम रायका पहले ही कह चुका है कि उसने जो पेपर लिया था, जो अपने बच्चों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए एग्जाम क्रैक किया गया था, वो पेपर बाबूलाल कटारा से लिया गया था। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का सदस्य रहा है और आपको याद होगा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके तार इस एसआई भर्ती पेपर लीक से भी जुड़े हुए हैं। आरपीएससी के दो पूर्व सदस्य जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, और अब रामू राम राय का जो कि आरपीएससी का सदस्य रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे और बेटी को भी आरपीएससी मुख्यालय लाया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से अशोक, हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं। इस वक्त अशोक क्या कुछ चल रहा है, आरपीएससी लेकर आया गया है देवेश और शोभा को? जी बिल्कुल, देवेश शोभा और उनके पिता रामू राम रायका को आज जो है आरपीएससी कार्यालय लाया गया है। इससे पहले जब बाबूलाल कटारा को लाया गया था और उनसे जो है अंदर पूछताछ की जा रही है। अब इनकी जो एंट्री की फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद इनको भी अंदर जहां पूछताछ के लिए जगह स्थान जो निर्धारित किया गया है वहां ले जाया जाएगा। साथ ही पूर्व में जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसे लेकर व्यक्तिगत दोनों को आमने सामने बिठाकर कहां पेपर दिया था और किस तरह से इन्होंने पेपर को कहां कहां दिया था, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा और उनकी दो जो बेटे बेटी हैं शोभा और देवेश को, उनसे पूछताछ की जानी है। साथ ही इस दफ्तर में जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके सामने भी सभी को बातचीत करवाई जाएगी। कौन 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 से चैंबर में बैठे थे उस समय, अधिकारी कौन से थे, मौका नक्शा यहाँ बनाया जाएगा कि उस समय जब अधिकारी थे और कर्मचारी थे तो पेपर किस जगह पर दिया गया था, इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि लगातार जो है आरपीएससी के सदस्य दो दो अब सदस्य सामने आ गए हैं और आरपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे थे, तो अब जो है एसओजी की ओर से भी इस कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। पेपर लीक के इस मामले में अशोक बाबूलाल कटारा को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, उसकी लोकेशन कहाँ है, क्या वो भी आरपीएससी में? जी बिल्कुल, बाबूलाल कटारा डेढ़ घंटे पहले ही उनको जो है अंदर लाया गया था। उनका जो सीज चैम्बर था उसको खोला गया था, उस चैम्बर में जो दस्तावेज है उसको खंगाला गया था और उसके डेढ़ घंटे बाद अब जो है एसओजी की ओर से जो है अशोक बड़ी बात दोनों ही पूर्व सदस्य रहे आरपीएससी के, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या रामू राम रायका हो, अब तक क्या जांच में सामने आया है? क्या यहाँ पर रामू राम रायका ने आपसी जान पहचान के चलते बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था या बकायदा इसे खरीदा गया था? ये बिल्कुल, दोनों ही सदस्य रहे थे जब एसआई भर्ती हुई थी तो बाबूलाल कटारा का एक जब बयान जब लिया गया था तो बताया जा रहा है कि बाबूलाल कटारा ने बोला कि रामू राम रायका ने रामू राम रायका को जो उन्होंने पेपर दिया था, बेटे बेटी के लिए पेपर दिया था, उसी विषय को लेकर जो है इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया गया। बेटे बेटी को गिरफ्तार किया गया है, कई एसआई है उनको जो है इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया है और अब अंदर जो आरपीएससी में जो ये खेल पूरा चल रहा था तो उस दौरान 2021 का जब ये मामला है तो उस दौरान कौन कौन इसमें शामिल था, कौन अधिकारी इसमें बैठे थे और जो कर्मचारी थे वो इसमें लिप्त है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर जो है अब अशोक क्या और भी दूसरे आरपीएससी के अधिकारी से बातचीत हो रही है इस वक्त पर? जी बिल्कुल, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आरपीएससी के अंदर जब गए हैं, एसओजी ने चैम्बर खुलवाया है तो उस दौरान जब इनके अंडर में जो कर्मचारी अधिकारी तत्कालीन समय में रहे होंगे दोनों के ही, तो उनसे भी हो सकता है क्योंकि जब सदस्य रहे थे तो अधिकारी भी थे इनके पास, कर्मचारी भी थे, वो पेपर कहाँ से आया, कौन इसमें शामिल था, इन सभी पहलुओं को लेकर जो है पूछताछ होनी है। फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद जो रामू राम रायका है और जो उनके बेटे बेटी हैं जब वो
अंदर आ रहे थे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए दिख रहे थे, आपने जब तस्वीरों में देखा हमने, तो दोनों मतलब कुछ न कुछ जो गलतियां उन्होंने कई की है और उसके बाद जब उजागर जब सामने आई है ये पूरा घटनाक्रम, तो अब जो है उनको आरपीएससी लाया गया है। आरपीएससी में जब 2-6 साल का उनका कार्यकाल रहा उस दौरान कौन कौन सी भर्तियां हुई थी इसे लेकर भी हो सकता है आगे जांच हो। फिलहाल एसआई भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और जो दस्तावेज यहाँ अशोक के जो पेपर बाबूलाल कटारा से रामू राम रायका ने लिया था, ये क्या आरपीएससी के अंदर से लिया था, कार्यालय से लिया था या कहीं बाहर मीटिंग हुई थी वहां पर पेपर दिया गया था? जी बिल्कुल, उस दौरान जो है दोनों ही सदस्य आरपीएससी में ही मौजूद थे, लेकिन ये पेपर कहाँ मिला, प्रेस के माध्यम से इनके पास आया या फिर आरपीएससी में ही जो दोनों सदस्य थे तो मेलजोल करते हुए इन्होंने पेपर दिया, इस विषय को लेकर जो है फिलहाल आरपीएससी की ओर से भी कुछ नहीं कहा जा रहा, एसओजी की ओर से अभी कहा जा रहा है कि जांच अभी इस मामले में की जा रही है, तो ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा कि पेपर कहाँ मिला और किस समय इनको दिया था। लेकिन पेपर अशोक रामू राम रायका कहाँ पर बैठते थे, क्या वो चैम्बर था, क्या वहां पर भी रामू राम रायका को लाया जाएगा, किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, रामू राम रायका का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वो जो है यहाँ से चले गए थे, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दूसरे सदस्य को जो है उनका चैम्बर दे दिया गया था, तो उनके चैम्बर में तो अन्य सदस्य हैं वो बैठ गए हैं, लेकिन चूंकि पहले ही जब सदस्य रहते हुए बाबूलाल कटारा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनका जो चैम्बर है 10 महीने पहले सीज कर दिया गया था, उस चैम्बर में जो है उनसे पूछताछ बाबूलाल कटारा से हो रही है, अब रामू राम रायका को भी उसके पास ले जाया जाएगा और जो उनके अंडर में कर्मचारी अधिकारी थे उनको वहां बुलाया जाएगा, उनके सामने जो जो दस्तावेज है या कागजात है जो भर्ती के दौरान जो सामने आए थे उन कागजात को भी मंगाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग रैंक पे जो एसआई भर्ती हुई थी अलग अलग रैंक के जो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है गिरफ्तार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। अशोक तो ये बताइए, रामू राम रायका का तो 2021 के बाद कार्यकाल खत्म हो गया था, उनके अंदर जो स्टाफ होगा क्या वो यहाँ पर मौजूद होगा, क्या उन लोगों के लिए भी पहले नोटिस दे दिया गया कि आपसे पूछताछ की जाएगी, मकसद क्या है यहाँ पर रामू राम रायका को उसके बेटे और बेटी को आरपीएससी लाने का, इसके जरिए क्या समझने की कोशिश करेगी एसओजी की टीम? जी बिल्कुल, एसओजी की टीम इस मामले में मौका नक्शा बनाएगी, जब ये स्थिति दोनों यहाँ मौजूद थे तब इनका जो चैम्बर था वो कौन सा था और जो रामू राम रायका का चैम्बर था वो कौन सा था, कौन कौन कर्मचारी थे, उनका बयान दर्ज किए जाएंगे कि इस भर्ती में जब पेपर सामने आया था तो किस किस ने देखा, किस किस ने नहीं देखा, ये पेपर की प्रक्रिया पूरी क्या थी, वो कर्मचारियों से अधिकारियों से यहाँ पर जो है बयान दर्ज करके उनकी लिखी जाएगी कि पेपर जो है यहाँ पर आता है या नहीं आता है, अगर पेपर यहाँ नहीं आता है तो बयान में दर्ज किया जाएगा और अगर ये पेपर इन दोनों की कम्युनिकेशन से ही आया है तो कहां से आया है, इन सभी विषयों को लेकर जो है एसओजी अपने सवाल जो है वहां दोनों के सामने रखेगी, अधिकारी जो है उनसे भी पूछताछ होगी कि अगर पेपर लीक होता है या पेपर इनके पास आता है तो वो तरीका क्या है, वो सवाल या पूरा सवाल इनके पास आए या पूरा पेपर जो इनके पास पहुंचा था वो एक सवाल जो है पूरे एक साथ थे, ये सब जो चीजें हैं वो इसमें जो है पूछताछ की जानी है और उस समय अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन कौन इनसे संपर्क में थे और जो कर्मचारी हैं वो कौन कौन इनके संपर्क में थे, ये सब जो है। अशोक रामू राम रायका और उसके बेटे बेटी की भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, गाड़ी में मुंह छुपाने की कोशिश है, सभी को एक साथ लाया गया आरपीएससी एक ही गाड़ी से? रामू राम रायका और उनके दो बेटे बेटी देवेश और शोभा को एक साथ अभी 1.5 घंटे बाद लाया गया, 1.5 घंटे पहले जो है बाबूलाल कटारा को लाया गया था, उनका चैम्बर जो सीज था उसे एडीएम की मौजूदगी में एसडीएम की मौजूदगी में खुलवाया गया और उसमें जो दस्तावेज है उनकी चेकिंग की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके 1.5 घंटे बाद जो है उनको लाया गया है, तो अब स्थिति क्या अंदर चलती है, किस तरह से पूछताछ होती है वो एसओजी जो है बाहर निकलने पर ही बता पाएगी, लेकिन एक बड़ी खबर अजमेर से निकल के आ रही है कि जो इस मामले में है लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है, पहले सदस्य को फिर पूर्व सदस्य को, इनको जो है गिरफ्त में लिया गया है, बेटे बेटी का जो मामला है वो एसआई भर्ती में सामने आया है। अशोक जाहिर तौर पर ये पहली बार है कि आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य हत्या चढ़े हैं एसओजी के, यानी कि बहुत बड़ी सी गिरफ्तारी कही जा रही है और बहुत बड़ी जा रहा है, माना जा रहा है कि बड़े खुलासे भी होंगे इनके जरिए। आप बता रहे कि बाबूलाल कटारा का जो चैम्बर था वो एसडीएम की मौजूदगी में खोला गया है, चूंकि अब रामू राम रायका भी आ गया है, क्या उसका भी चैम्बर खोलने की प्रक्रिया होगी शुरू?
जी बिल्कुल, रामू राम रायका 2021 में ही रिटायर्ड, मतलब यहाँ से जो है हाँ। उनका रिटायर हो गए थे, यहाँ से चले गए थे, तो उनका जो चैम्बर है वो सीज नहीं हुआ था। अच्छा। ऐसे में उनका सीज किसी और जो, मतलब उनका जो चैम्बर है किसी और जो सदस्य हैं उनको दे दिया गया था, तो ऐसे में उनका जो चैम्बर है वो किसी तरह से सीज नहीं था। ऐसे में उनके चैम्बर से तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो दूसरे सदस्य के पास चले गए। लेकिन जो रामू राम जो बाबूलाल कटारा का चैम्बर है उसको खोला गया है, उसमें पूछताछ की गई है, और उसमें जान जो दस्तावेज रखे हैं, जो पूर्व में अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई दस्तावेज मिलते हैं तो उनको जो है एसओजी की ओर से जब्त किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर बाबूलाल कटारा का निवास है उसको भी एसओजी की ओर से सीज किया गया था, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पर जो है एसओजी की ओर से खंगाला जा सकता है। और अब अंदर जो है दोनों से स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर बातचीत की जानी है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम आरपीएससी से जुड़ा हुआ है, आरपीएससी से ही जो है पेपर जाहिर तौर पर हो सकता है कि रामू राम रायका का सामना यहाँ पर बाबूलाल कटारा से भी हो, कि कैसे कैसे वो मिलते थे, क्या बातें होती थी, कहाँ वो जगह थी, कौन सी वो लोकेशन थी, कौन सा वो चैम्बर था। बाबूलाल कटारा का चैम्बर खोल दिया गया है और वहां पर भी माना जा रहा है कि जो फाइलें हैं उन्हें जब्त किया गया है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान लगातार दिखा रहा है, अपडेट भी देता रहेगा। फिलहाल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम।